देश में प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराने व प्रत्येक नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन कराने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में कमेटी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि देश में जो यूनिवर्सल टीकाकरण किया जा रहा है उसको फ्री किया जाए, जिससे कि किसानों मजदूरों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जैसे पोलियो महामारी मलेरिया बीमारी का टीकाकरण निःशुल्क किया गया था, उसी के तर्ज पर देश में भी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन फ्री हो। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया शुक्ला सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, और ये आपके सामने है ऐसे। जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। तो मेरी मांग यह है कि जो यूनिवर्सल टीकाकरण हो रहा वो फ्री ऑफ कास्ट हो, हर जनता तक, किसानों तक के, मजदूरों तक के ये उनकी लाभ मिल सके। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में पोलियो जैसे और फ्लैग महामारी जैसे मलेरिया जैसे बीमारियों का टीकाकरण कर फ्री ऑफ कास्ट जनसेवा की थी, उसी तरह हमारी मांग है कि यूनिवर्सल टीकाकरण ये फ्री हो।